हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आया दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.3 में आज हम सीखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। ये दोस्तों सीखने के लिए पूरे वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायग्राम दिया है, और डायग्राम दोस्तों आप देखोगे तो पूरा के पूरा शेडेड रीजन है। तो फाइंड क्या करना है, वही फाइंड करना है, लेकिन कैसे फाइंड करना है वो आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर दोस्तों सर्कल का रेडियस दोस्तों क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया। सर्कल का रेडियस दोस्तों 6 सेंटीमीटर दिया है, और दोस्तों आप रीड करोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। ठीक है, मतलब तीनों साइड दोस्तों सेम होगा, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और दोस्तों इसका साइड दोस्तों 12 सेंटीमीटर का है, मतलब ये साइड दोस्तों पूरा के पूरा 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो दोस्तों फाइंड कैसे करें, तो आपको बता दो दोस्तों, ये देखोगे तो ये दोस्तों आपका माइनर सेक्टर होता है, राइट। अगर मैं इसको अगर ऐसे देखूं तो ये जो है ये आपका मेजर सेक्टर है, तो फॉर्मूला क्रिएट हो गया। आपको क्या करना है, मेजर सेक्टर को इक्विलेटरल ट्रायंगल से प्लस कर देना है, और आपका पूरा के पूरा शेडेड रीजन आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहां पर दोस्तों फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं मैं, सबसे पहले लिखूंगा एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, लिख दिया मैंने। अब दोस्तों यहां पर फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे मेजर सेक्टर का, दोस्तों माइनर सेक्टर जो होता है उसे दोस्तों आपको क्या करना होता है, 360 डिग्री से माइनस करना होता है, तो आपका क्या होता है दोस्तों, पूरा के पूरा मेजर सेक्टर निकलता है। समझाता हूं, देखिए फॉर्मूला क्या था पहले दोस्तों, यहां पर आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये होता था किसका, माइनर सेक्टर का। अब मेजर सेक्टर आ गया है तो क्या करना है दोस्तों, इस थीटा को 360 डिग्री से माइनस कर लेना है, बस इतना ही फॉर्मूला, सिंपल दोस्तों। अब प्लस करना है यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पर √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। अब यहां पर वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पर 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर थीटा देखोगे कुछ दिया ही नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको एक हिंट दिया है, हिंट क्या दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड सेम है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है दोस्तों, जब तीनों साइड सेम होता है तो उसका डिग्री जो होता है एंगल का, वो होता है दोस्तों 60 डिग्री होता है, मतलब ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी दोस्तों 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पर थीटा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 60 डिग्री होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पर 60 डिग्री लिखता हूं, ठीक है, व्हाइट कलर लिख लेता हूं, ज्यादा अच्छा होगा कि वो सब कुछ एक ही कलर से होगा, ज्यादा बेटर होगा, राइट। तो यहां पर दोस्तों 60 डिग्री लिख लेता हूं, होल अपॉन यहां पर दोस्तों 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पर कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 22/7। रेडियस क्या है दोस्तों, यहां पर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 × 6, यहां पर प्लस कर लिया, यहां पर √3/4, यहां पर साइड क्या है दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल का, यहां पर 12 दिया है, तो यहां पर 12 × 12 लिख लेता हूं। अब दोस्तों क्या करना है दोस्तों, कैंसिल करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना होगा दोस्तों, 300 डिग्री होगा, होल अपॉन दोस्तों यहां पर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 × 6 × 6 प्लस दोस्तों √3/4 × 12 × 12। अब यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहां पर 0 0 कैंसिल हो गया, यहां पर 3 10 जा, यहां पर क्या होगा 30 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर 6 है, 6 1 जा 6, और 12 को 6 2 जा 12 से कैंसिल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये 2 जो है इस 22 को कैंसिल करेगा, 2 11 जा आपका 22। ठीक है, इतना हो गया। अब ये 4 दोस्तों इसे कैंसिल करके 4 3 12 हो जाएगा। अब जो भी बचा है उसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां पर दोस्तों देखिए 11 6 और 10 बचा है, राइट। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, यहां पर देखोगे 6 11 जा 66, और 66 × 10 करोगे तो 6 6 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचा, 7 बचा है, तो यहां पर 7 लिख लिया। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, यहां पर प्लस दिया है तो यहां पर प्लस लिख लेता हूं मैं, और 12 3 जा 36, तो 36 को यहां पर इस तरह से लिख लेता हूं, और √3 को मैं साइड पर लिख लेता हूं। यहां पर दोस्तों कुछ बचा है, और कुछ भी बचा नहीं है, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर।
अब ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, यही आंसर दिया है आपका टेक्स्ट बुक में, राइट। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह दिया दोस्तों, यहां पर देखोगे बहुत अलग टाइप का फिगर दिया है, लेकिन दोस्तों ध्यान से देखोगे तो सम इजी लगेगा आपको। सबसे पहले दोस्तों देखोगे शेडेड रीजन में दोस्तों यहां पर क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। स्क्वायर के अंदर यहां पर एक सर्कल दिया है, यहां पर एक सर्कल दिया है, और ये दोस्तों चार जो है वो आपका क्वाड्रेंट दिया है, ठीक है, चार क्वाड्रेंट। और चार क्वाड्रेंट को मिला लोगे अगर तो सर्कल ले लेगा रूप, राइट। तो यहां पर जो दिया है इंफॉर्मेशन वो देख लेते हैं। स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर का है, मतलब ये दोस्तों 4 सेंटीमीटर और ये भी दोस्तों आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4, मतलब देखो स्क्वायर मतलब चारों जो साइड हो गए उसके वो सेम होगा, राइट। उसके बाद दोस्तों यहां पर डायामीटर, किसका डायामीटर, जो सेंटर में सर्कल है उसका डायामीटर यहां पर 2 दिया है, तो 2 आपका डायामीटर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो जाएगा, इतना क्लियर। और यहां पर दोस्तों और देखोगे तो रेडियस 1 सेंटीमीटर किसका, क्वाड्रेंट का, मतलब क्वाड्रेंट का जो रेडियस दोस्तों ये क्या होगा 1 सेंटीमीटर का होगा, ये रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर का होगा, इतना क्लियर। चलो अब फॉर्मूला लिखता हूं मैं और अच्छे से समझाता हूं कैसे आप शेडेड रीजन फाइंड कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले आप यहां पर लिख दीजिए एरिया, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, शेडेड रीजन लिख दिया। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देखोगे स्क्वायर दिया है, तो यहां पर लिखिए एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये लिख लिया। यहां पर फिर माइनस करोगे आप, किसको माइनस करोगे, ये दो सर्कल को माइनस करोगे, लेकिन कैसे आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले लिखोगे एरिया ऑफ ए सर्कल, यहां पर लिख दिया, फिर यहां पर प्लस करोगे, किसको प्लस करोगे, क्वाड्रेंट को, मतलब एरिया ऑफ ए 4 क्वाड्रेंट, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसका रियल फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, यहां माइनस लगा दिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा दोस्तों, आपका पाई आर स्क्वायर होगा, राइट। अब पाई आर स्क्वायर हो गया, यहां पर प्लस कर दोगे, यहां पर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट है, तो यहां पर दोस्तों 4 मल्टीप्लाई 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है। 4 लिखा मैंने क्योंकि चार क्वाड्रेंट है। अब ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, देखोगे तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या दोस्तों पाई आर स्क्वायर बचा। तो यहां पर पाई आर स्क्वायर और यहां पर पाई आर स्क्वायर, क्या इसको जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ोगे सही, लेकिन आपको देखना होगा कि रेडियस सेम होना चाहिए। तो आप देखोगे दोस्तों दोनों का रेडियस दोस्तों सेम है, सेंटर का जो सर्कल है वो आप देखोगे तो 1 सेंटीमीटर रेडियस है, और क्वाड्रेंट जो दिया हुआ था उसका भी रेडियस सेम ही है। तो यहां पर एक काम कर लेता हूं मैं, एस मल्टीप्लाई एस माइनस पाई आर स्क्वायर यहां लिखता हूं, 2 पाई आर स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, सारा फॉर्मूला लिख दिया हम लोग ने। अब साइड बाय साइड जो दिया हुआ है, यहां पर s कितना है 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 लिख लिया, यहां पर 2 पाई का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो 22/7। उसके बाद दोस्तों रेडियस 1 का स्क्वायर, तो 1 मल्टीप्लाई 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब कुछ कैंसिल होगा, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो यहां पर 4 4 16 लिख लिया मैंने, और यहां पर दोस्तों 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे या फिर 2 मल्टीप्लाई 22 करोगे तो आपको मिलेगा 44/7। नीचे दोस्तों इसका 1 होगा, तो आपको इसको एलसीएम करना होगा या फिर दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर क्या करने जा रहा हूं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। 7 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहां पर 112 मिलेगा, राइट। 1 मल्टीप्लाई 44 करोगे तो 44 ही मिलेगा, डिवाइड बाय 7। अब इसे काम के माइनस कर लीजिए, 112 यहां पर 44 लिख दिया मैंने, माइनस कर रहा हूं, यहां पर 0 हो गया, यहां पर 12 में से 4 गया तो यहां पर 8 हुआ, 10 में से 4 गया तो यहां पर 6 हुआ। तो आंसर दोस्तों क्या आएगा, 68/7, ये कैंसिल होगा नहीं, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। देखिए ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों कहना चाहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार हमें देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।